तो गैस थोड़ी देर पहले वाला एपिसोड 56 का पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा तो देख लो, बिकॉज बहुत ज़बरा था, एक नंबर था। उसका शॉर्ट्स अभी एक बार देखो, आपको पता चल जाएगा कितना मस्त था वो। ये सब क्या है? उन्होंने हमारे तमाम सिपाहियों को मार डाला है कमांडर रंजन। तुम सब के सब किसी काम के नहीं हो, नकारा हो, बेवकूफ हो। क्या जवाब दूंगा मैं हलाकू खान को? क्या जवाब दूंगा? Onu gördüğüm vakit ne yapmak istersin? आज तुम मेरे हमराही बन जाओ एरलिक खान। तुम्हारी तारीख रूहें दुश्मन का गला घोंटेंगी और उन्हें कासरगान के गड़े में दफना देंगी। उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता। चलो। अस्सलामुअलैकुम, आज हम आपके लिए लिखे एक और बेहतरीन पेशकश, बडरली सरतुल सीजन 5 एपिसोड नंबर 56 पार्ट 2। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्टार्ट एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए आगाज करते हैं। नजर बंद हो गई। ये बट ये इनके कबीले में आ गए क्या? मंगलों के जुल्म से यहाँ बच कर आए तो यहाँ क्या हुआ? जरूरी था इन्हें हिम्मत दिखाना। तुम लोगों ने क्या समझा था कि तुम्हारा भाई सरदार वाला है तो सलचान खातून डरकर खामोश बैठ जाएगी? मेरा बेटा सलामत रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने अपनी जिंदगी में तूफानों का मुकाबला किया है, ये हवा का हल्का सा झोंका मेरा क्या बिगाड़ पाएगा? सही बात है। कुर्तोगलू, नोयान, इतने सारे, ये ठुल्लू से क्या कर सकते? ठुल्लू से इनको तो बोलने की अक्कल नहीं है ना, इनकी क्या बराबरी कर सकते? ये देखो अलन चाक। सुलेमान बोले अलन चाक खाना पीना मस्त चालू है भाई का है घर में। तो अर्थरुल भाई कौन हो तुम लोग? हाँ, अरे तुम्हारे चचा है। लुटेरे हो क्या? अर्थरुल भाई सुलेमान चांगलू अगलू है। अर्थरुल सरदार, माशाल्लाह मेरे बाद, माशाल्लाह। कैसे हो तुम सुलेमान? ठीक हो? जी ठीक हूँ। मैं जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए फरार हुआ। मैंने खुद से अहद किया था कि अपने मसाइल खुद हल करूंगा। ये कैसी बात कर रहा हूँ बेटा? मैं जिंदा हूँ अभी, तुम फिक्र ना करो। सही बात है, तुमने बहुत अच्छा किया। अगर तुम वहां रहते तो वो तुम्हारी जान ले लेते। तुमने बाबा के बगैर मुश्किल वक्त गुजारा है, लेकिन अब इन मुश्किल के खत्म होने का वक्त आ गया है। बमसी भाई कैसे मस्त है। ये कौन है सरदार? सुल्तान इज़्ज़तीन के कवस। के कवस, के कवस। कंदुक्टू का बेटा सुलेमान, खुश हो बहादुर। जो भी शख्स जालिम के खिलाफ खड़ा होता है, मतलब वो हमारा साथी है बेटा। अब वक्त है कि एक मुट्ठी बने और मंगोलों को उनके किए की सजा दें। पीली पड़ रही है मेरी खूबसूरत बहन।
परिंदों की तो चहचहाऊंगी। जल्दी से ठीक हो जाओ मेरी बहन, फिर से लड़ाई करेगी। बस थोड़ी हिम्मत करो। उठ रही, देखो अल्लाह तुम्हें हर तरह के फितनों से महफूज रखे, दुश्मनों से हिफाजत फरमाए। अरे वही इतनी बड़ी फितनी है, फितनों से तुम्हें अपने नाम या शाफी की बरकत से सेहत याब करे और आने वाली हर तकलीफ से महफूज रखे। अलन जाग के साथ बैठी थी उस दिन, शरबतें पिलाई जा रही थी अलन जाग को, साथी बन गई। तेरी रुक जो। क्या बात है साम, कुछ कबीले कैसे आना हुआ? अलम चकना भी सोले यहाँ हमला करने वाला है, यही खबर अगले देने आया था मैं। शुक्र है वक्त पर आ गया। तुम्हें यह खबर कहाँ से मिली साम कुछ? अर्थोरल सरदार ने एक जरूरी काम से पहले भेजा था मुझे, ट्रेकोस को उसके सिपाहियों ने यह खबर पहुँचाई। मैंने सोचा आपको आगाह कर दूँ। हमें फौरी तौर पर कबीले की हिफाजत का इंतजाम करना होगा। कबीले वालों से कहो कि खैमे में रखी तलवारें निकाल लें और तैयार हो जाएं। तमाम सिपाही बाहर निगरानी करेंगे, खवातीन और बच्चे खैमों में रहेंगे। हमले की सूरत में कबीले के तमाम लोग और सिपाही मरते दम तक दुश्मन से लड़ेंगे। जैसा आपका हुक्म आरतू भाई, जो हुक्म आपका आरतू भाई। अब आएगा मजा भाई। इस बार हम पूरी कुव्वत के साथ उन सालिम मंगोलों का मुकाबला करेंगे। काई कबीला उनके जुल्म के आगे अब नहीं झुकेगा। कोई ना कोई आए जा रहा। आउस बेबुला सरदार आए हैं आयमा खाना। बेबुला भेज दो उसे, अच्छी तरह जानती हूँ यहाँ क्यों आया है वो। अरे बटी जाएंगे। अगर उन्होंने यहाँ देख लिया तो मार देंगे मुझे। पीछे जाकर छुप जाओ। इधर भी पर्दे के पीछे, इधर भी पर्दे के पीछे रहेगा। मेरे कुछ देखे तो चोरी ना करे, चोरी ना कर ले। हंस रहा था, देख देख देख। इधर भी वैसे ही देख रहा, ऐसे करके आ गया बेबू। कहाँ है वो मुजरिम सजान खातून? आज से मेरी तलवार की जद से कोई नहीं रोक सकता। क्या बगैर किसी कानून के पले बड़े हो बेबुला सरदार? आंखों में आग है और मुंह में धुआं भरा है। कानून का सरदार हूं मैं, जो मैं कहूँ वही कानून होता है। हाय बहादुर, जबान को लगाम दे बेबोला सरदार। किसी की ताकत नहीं कि कानून लिखे और ना ही किसी की जुर्रत है कि वो कानून को मिटा सके। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। लकड़ी मारेंगे आपको भाई। बाजा उस सरजान नामी खातून को मेरी बहन पर वार करने की कीमत चुकाना होगी, या वो भी अपने बेटे सुलेमान की तरह मुंह छुपा के फरार हो गई। हाँ बेबुला सरदार, गुस्सा हमेशा इंसान को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि गुस्सा इंसान की अक्ल और शऊर को खा जाता है। एक सरदार आला को सब्र से काम लेना चाहिए। हौसला कीजिए जरा, हौसला करो। मेरी बहन जिसे एक फरीजा दिया था, मेरे ही जेर फरमान जमीन पे जख्मी कर दी गई, और आप कह रहे हैं मैं हौसला करूं? आर्तुक साहब माफी चाहता हूं, मेरे पास इतना हौसला नहीं है जो मनमानी की इजाजत दे आपको। अब मुझे बताइए कहां है सज्जान खातून? उन्हें कैदियों के खेमे में डाल दिया है ताकि वो फरार ना हो सके। भाई ये रेसलर बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन ये काफी नहीं है। हमारा खून बहाया गया है तो आज से मैं भी खून बहाऊंगा। उस सलजान खातून को मैं खुद मौत के घाट उतारूंगा। खुसरा बेवकूफ, बताओ इल्मिल के सिरवा कहाँ है, कैसी तबीयत है उसकी? पहले आप पुरसुकून हो जाए भाई। आर्तुक साहब ने अपनी पूरी कोशिश की है।
करनी चाहिए? अगर मुकदमे के बगैर सजा की कोशिश की, कसम खाती हूं बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। गर्दन उड़ जाएगी तेरी भाई। संभालिए खुद को, अभी आपको सिरमा के पास होना चाहिए। पहले मैं अपनी बहन को अपनी आंखों से देख लूं। देख ले, उसके बाद बात करूंगा। वक्त फैसला करेगा कौन पछताता है। हाय मैं खातून। तो लंजा खा रहा है यार इधर, वो एक बड़ा पंगा है। हाँ, गुस्से में ये क्या कर सकता है? हम कुछ नहीं कह सकते आरतू साहब। सिपाहियों से कहिए कि कैदियों के खेमे पर गहरी नजर रखें। दुरुस्त कहा आपने। हाय बाप। सिरमू को देखने आ गया उनका भैया जी। रोना नहीं बेबोला, होश में भाई। देखिए इसे होश आ रहा है। सिरमा, मेरी बहन उठ गई। पीलापन दूर हो जाएगा थोड़ी देर में। अपनी आंखें खोलो मेरी बहन, देखो भाई आ गया है। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। चश्मा लग गया। वैसे वो आगे खड़ा है ना। कोई बंदा उठा हो उसके सामने ऐसे तुम खड़े हो, डर जाए ना बंदा। मुझे मारना चाहा उसने। तो गाइस ये था हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिली सर्थरुल सीजन 5 एपिसोड नंबर 56 पार्ट 2। बहुत इंटरेस्टिंग था। अभी देखना आगे क्या होगा। लंजक आने वाला है कबीले में, देखेंगे अभी क्या करेगा वो आके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।